हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह विजिट किया है जहां पर आपको पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ हो या फिर आपके साथ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी घटित हुई हो? हम अपने आसपास के लोगों से कई ऐसे किस्से सुनते हैं जिन पर विश्वास करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हकीकत में ऐसे किस्से या खौफनाक अनुभव हमें इन पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देते हैं। पूरे विश्व भर में ऐसी कई घटनाएँ घटने का दावा किया जाता है जो ये दर्शाते हैं कि आत्माएं भी हमारे आसपास घूमती रहती हैं। चलिए जानते हैं चीन के एक रहस्यमयी बस का सफ़र करने का दावा करने वाले लोगों की कहानी की ओर और सोचते हैं कि क्या ऐसा वास्तव में हो सकता है। ये घटना कितनी सच है ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन चीन की इस घटना ने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरी है। चीन की राजधानी बीजिंग में ऐसी ही एक घटना के बारे में बताया जाता है जिसकी वजह से लोगों में रात में सफ़र करने से डर बैठ गया है, जिसकी वजह से लोग रात में सफ़र करने से डरते हैं। ये घटना चीन के बीजिंग में घटित हुई थी। 14 नवंबर की सर्द रात में एक वृद्ध और एक जवान लड़का दोनों बस नंबर 375 का इंतज़ार कर रहे थे। दोनों के बीच नॉर्मल बात चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान और कोहरे में ढकी हुई थी कि ठीक 11 बजे उस रूट की आखिरी बस नज़र आती है। उस स्टॉप पर बस रुकते ही दोनों बस में बैठ जाते हैं, पर पूरी तरह से बस खाली होती है और उसमें ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं होता है। वो लड़का आगे ड्राइवर की पास वाली सीट पर बैठ जाता है और वृद्ध बीच की सीटों पर। कुछ देर बाद ही बस अचानक रुक जाती है और कुछ परछाई उस वृद्ध इंसान को खिड़की की तरफ से बस में आती हुई दिखाई देती है। बस में रोशनी कम थी, इस वजह से उन्होंने उसके चेहरे तो नहीं देख पाए, लेकिन उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बीच वाले व्यक्ति ने नशा कर रखा है और दोनों साइड में लोगों ने उसे सहारा दे रखा है। बस फिर से चलती है और बस में वही शांति एक बार फिर से छा जाती है। बस चले हुए कुछ ही देर होती है कि उस वृद्ध व्यक्ति ने आगे बैठे नौजवान से बहस करनी शुरू कर दी। ये वही लड़का था जिसके साथ वो इतने आराम से उस रूट पर खड़ा बातचीत कर रहा था। अचानक आए इस बदलाव से उसका चौंकना लाजमी था, लेकिन वृद्ध व्यक्ति की बातों ने उसे गुस्सा दिला दिया। बात अब हाथापाई पर आ चुकी थी जिसकी वजह से उसने बस में हंगामा करना शुरू कर दिया। बस ड्राइवर ने परेशान होकर उन दोनों को ही बस से नीचे उतार दिया और बस आगे बढ़ा दी। बस से नीचे उतरने के बाद वो वृद्ध अचानक पहले जैसे ही शांत हो गया, तभी वो नौजवान उनसे पूछता है कि आप बेवजह मुझसे इतना झगड़ा क्यों कर रहे थे। वृद्ध व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, बेटा मैंने झगड़ा नहीं किया बल्कि तुम्हारी जान बचाई है। लड़का हैरान खड़ा कुछ समझ नहीं पाता कि ऐसा वो क्यों बोल रहे थे। तब उन वृद्ध ने उसे पूरी कहानी सुनाई और कहा कि तुमने जिन तीन लोगों को कुछ देर पहले बस में चढ़ते हुए देखा था उनके पैर नहीं थे, उनका शरीर हवा में तैर रहा था। ये सुनकर लड़का बुरी तरह कांपने लगता है। फिर उस वृद्ध ने उसे रहस्यमयी बस का सफ़र और भूतों से सामना करने का किस्सा सुनाया। दोनों ही पास के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और सारी कहानी सुनाते हैं। उनकी बातें सुनकर पुलिस चौकी वाले सभी लोग उन्हें पागल समझने लगते हैं। दोनों ही चुप अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन के अखबार में जो उन्होंने छपा हुआ पढ़ा उसने उनके और पुलिस दोनों के होश उड़ा दिए। जिस कंपनी की बस इस रूट पर चलती थी उसकी ओर से बस ड्राइवर कंडक्टर के गायब होने का दावा किया गया था। पुलिस ने आनंद फानंद में दोनों के पते तलाश किए और दोनों ने मीडिया को अपनी कहानी शेयर की, जिसके बाद पुलिस ने बस की तलाश करना शुरू कर दिया। अगले ही दिन बस के एक्सीडेंट की सूचना पुलिस को मिलती है। ये बस वही होती है जिस रहस्यमयी बस का सफ़र उन दोनों नौजवान और वृद्ध व्यक्ति ने किया था और पुलिस को बताया था। बस को पानी से बाहर निकाला जाता है तो खौफनाक दृश्य देखने को मिलता है। उसमें ड्राइवर और कंडक्टर की लाश मिलती है और साथ ही तीन और सड़ी गली लाशें बरामद होती हैं। चौंका देने वाली बात यह थी कि महज 48 घंटों में उन तीनों की लाश इस कदर सड़ गल जाना संभव नहीं था, वो भी तब जब ड्राइवर और कंडक्टर की लाश सही स्थिति में थी। इससे लोगों में ये धारणा फैल गई कि क्या वास्तव में वो तीनों शरीर प्रेत आत्माएँ थीं। लोगों में दहशत फैलाने के लिए तीन सड़ी गली लाशें मिलना काफ़ी नहीं था, पर पुलिस ने उस डीजल टैंक की तलाश की तो पता चला कि उसमें डीजल की जगह खून भरा पड़ा था। ये सब देखकर पुलिस विभाग भी खौफ में आ जाता है और उन्हें
उन दोनों की रहस्यमयी बस का सफर करने वाली कहानी सच लगने लगती है। हैरान करने वाली बात ये थी कि बस अपने आखिरी स्टॉप से करीब 100 किलोमीटर दूर जिंगशान शहर के पास नदी में मिली थी, जबकि बस में इतना डीजल नहीं था कि वो इतनी दूर आ सके। इस खबर को पढ़ने के बाद कुछ लोगों का मानना है कि वास्तव में भूत प्रेत का अस्तित्व होता है और इस घटना के लिए भी वह जिम्मेदार हैं, लेकिन कुछ बातों का आपस में तालमेल सही ढंग से नहीं बैठ रहा है। जैसे कि आपने गौर किया होगा कि पुलिस का कहना था कि बस के डीजल टैंक में डीजल की जगह खून भरा पड़ा था, वहीं दूसरी ओर एक्सपर्ट्स का कहना था कि बस में इतना डीजल नहीं था कि वो इतनी दूरी तय कर सके। इसके अलावा पुलिस को बस में सड़ी गली और सही कंडीशन में लाशें मिलती हैं, तो ये सवाल उठता है कि क्या यह संभव है कि वो सड़ी गली लाशें उन्हें बस में ही मिली हों। अगर वो लाश घटनास्थल के आसपास मिलती तो उनका तालमेल समझ आता, लेकिन इस तरह से नहीं। अगर आपको कुछ समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमें यह बताना ना भूलें कि इस घटना को आप किस नज़रिए से देखते हैं। और अगर आपने हमारे इस चैनल मिस्ट्री टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।